फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए दलित नेता जीतन राम मांझी ने एससी और एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया है। टेस्टिंग के बाद उसको सामान्यतः बेल नहीं दिया जाता था, जमानत नहीं दी जाती थी। एक प्रक्रिया थी उसके तहत उनको जमानत मिलने में दिक्कत होती थी और जिसके कारण हम लोग समझते थे कि समाज के वैसे लोगों में एक भय व्याप्त था कि यदि शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में शेड्यूल कास्ट के महिलाओं के साथ और उनके लोगों के साथ अगर किसी प्रकार की बात करोगे तो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट है, सब फंस जाओगे। और इसके चलते एट्रोसिटी एक्ट के कारण शेड्यूल कास्ट पर जो जुल्म ढाए जाते थे उसमें कहीं न कहीं कमी थी, लेकिन जो वर्तमान प्रावधान किया गया है कि कोई भी मुकदमा बिलेबल होगा, कोई भी मुकदमा में अरेस्ट करने के लिए अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसका नियोजन पदाधिकारी से, अगर सरकारी पदाधिकारी नहीं है तो फिर सीनियर एसपी या एसपी से उससे इजाजत लेनी पड़ेगी। याद दिलाते चले आपको, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सीधे तौर पर एफआईआर नहीं की जा सकेगी। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।